नीट यूजी 2019 की ऑफिशियल आंसर की, ऑफिशियल फाइनल आंसर की एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट www.ntaneet.nic.in पर रिलीज कर दी गई है। आप सभी स्टूडेंट्स एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर कैंडिडेट लॉगिन करके अपने अपने आंसर शीट को मिला सकते हैं। जब आप आंसर शीट को ओपन करेंगे तो आपको नीट में कितने मार्क्स आ रहे हैं उसकी क्लियरिटी तो मिलेगी ही, साथ साथ में आपको इस बात की भी क्लियरिटी मिल जाएगी कि कुछ क्वेश्चंस जिन्हें कुछ स्टूडेंट्स और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जैसे एलएन की तरफ से चैलेंज किए गए थे, उन चैलेंजेस को एनटीए की तरफ से एक्सेप्ट किया गया या नहीं किया गया। हालांकि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एनटीए वर्सेस एलएन वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एलएन की तरफ से 3 क्वेश्चंस को चैलेंज किया गया था एनटीए की प्रीवियस पहले वाली आंसर की में, मगर एनटीए ने जब इन तीनों क्वेश्चंस का अपने सब्जेक्ट एनालिस्ट से वेरीफाई करवाया तो इन तीनों क्वेश्चंस जिनको एलएन की तरफ से चैलेंज किया गया था उन तीनों क्वेश्चंस को सीधे से खारिज कर दिया गया। उन तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स एलएन ने जो दिए हैं उसी को सही माना गया। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में कि वो कौन कौन से क्वेश्चंस थे जिनको खारिज किया गया एनटीए की तरफ से, और साथ साथ में ये भी जानेंगे कि जब आप ऑफिशियल फाइनल आंसर की में चेक करोगे तो की कॉलम में आपको कुछ अल्फाबेट्स मिलेंगे, उन अल्फाबेट्स का क्या मतलब है। क्वेश्चन नंबर के सामने की कॉलम में उसका आंसर दिया जाता है, ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2 या ऑप्शन 3 या ऑप्शन 4 जो भी है करेक्ट आंसर वो दिया हुआ होगा, मगर किसी किसी कॉलम में अल्फाबेट्स दिए हुए होंगे, उस अल्फाबेट्स का क्या मतलब है वो भी समझेंगे इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज गुलशन झा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करियर मीडिया। फ्रेंड्स एक सिंपल सा रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक करियर मीडिया के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर लें जिससे कि नीट यूजी 2019 से जुड़ी जो भी अपडेट्स हों वो सभी आप तक टाइम टू टाइम पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एलएन की तरफ से टोटल 3 क्वेश्चंस थे अलग अलग पेपर कोड के जिनको एनटीए से चैलेंज किया गया था। वो पेपर कोड्स हैं पेपर कोड P2 का क्वेश्चन नंबर 163, पेपर कोड S6 का क्वेश्चन नंबर 75 और पेपर कोड P2 का क्वेश्चन नंबर 157। इन तीनों क्वेश्चंस को एनटीए की ऑफ जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट है उनके तरफ से वेरीफाई करने पे इन तीनों क्वेश्चन के चैलेंजेस को खारिज कर दिया गया है। इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर जो एनटीए ने पहले दिए थे वही करेक्ट आंसर माना गया है। आगे बढ़ते हैं। जब आप ऑफिशियल फाइनल आंसर की चेक कर रहे होगे तो क्वेश्चंस के सामने में आंसर दिए होंगे, एक क्वेश्चन कॉलम होगा और दूसरा की कॉलम होगा। की कॉलम में उस क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन दिया होगा, ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2 या ऑप्शन 3 या ऑप्शन 4, मगर किसी किसी क्वेश्चन के सामने में अल्फाबेट्स दिए होंगे जैसे A C D F। किसी क्वेश्चन के सामने A है, किसी क्वेश्चन के सामने C है, किसी क्वेश्चन के सामने D है और किसी क्वेश्चन के सामने F है। ये जो अल्फाबेट्स हैं ये इंडिकेट करता है कि इस क्वेश्चन के कोई 2 आंसर सही है। अब अगर बात करें कि ए का मतलब क्या है, तो ए का मतलब है ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2। इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन 1 और जिस क्वेश्चन के सामने अल्फाबेट ए दिया होगा उस क्वेश्चन का आंसर 1 और 2 दोनों सही है। अगर स्टूडेंट ने 1 और 2 में कोई एक भी मार्क किया है तो उस स्टूडेंट को उस क्वेश्चन के पूरे मार्क्स मिलेंगे। इसके अलावा अगर किसी क्वेश्चन के सामने सी लिखा है तो सी का मतलब है ऑप्शन 1 और ऑप्शन 4। अगर किसी स्टूडेंट ने सी के ऑप्शन में ऑप्शन 1 या ऑप्शन 4 में किसी एक ऑप्शन को भी मार्क किया है तो एनटीए की तरफ से उस स्टूडेंट को उस क्वेश्चन के लिए पूरे मार्क्स मिलेंगे। उसी तरह अगर डी अल्फाबेट की बात करें तो जिसके सामने डी है उसके सामने डी का मतलब है कि ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3। उस जिस क्वेश्चन के सामने डी दिया होगा उसका ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 दोनों सही होंगे। स्टूडेंट्स को किसी भी ऑप्शन को मार्क किए होने पर स्टूडेंट को उस क्वेश्चन का पूरा मार्क्स मिलेगा। और अल्फाबेट एफ का मतलब है ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4। ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 में दोनों में से जिसे भी स्टूडेंट ने मार्क किया है उसके लिए उस क्वेश्चन को स्टूडेंट को पूरे मार्क्स मिलेंगे। देखते हैं कि ये कौन कौन से क्वेश्चन के सामने इन अल्फाबेट्स को रखा गया है। पेपर कोड P1 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 के सामने F आया है। क्वेश्चन नंबर 6 के सामने जब F आया है तो इसका मतलब ये है कि F का मतलब है 3 और 4। ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 दोनों ही सही हैं। स्टूडेंट ने अगर क्वेश्चन नंबर 6 पेपर कोड P1 का जिन स्टूडेंट ने
आंसर 3 मार्क किया है, और जिन स्टूडेंट ने आंसर 4 मार्क्स किया उन सभी स्टूडेंट्स को पूरे मार्क्स मिलेंगे। पेपर कोड P1 का ही क्वेश्चन नंबर 72 है। 72 के सामने में ए अल्फाबेट लिखा गया है, ए का मतलब है 1 और 2। जिन भी स्टूडेंट ने क्वेश्चन नंबर 72 पेपर कोड P1 का ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2 सिलेक्ट किया है उन सभी स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन के लिए पूरे मार्क्स मिलेंगे। इसी तरीके से पेपर कोड P2 का क्वेश्चन नंबर 13 में ए आया है और क्वेश्चन नंबर 68 में एफ आया है। पेपर कोड P3 का क्वेश्चन नंबर 5 के सामने ए आया है और क्वेश्चन नंबर 179 के सामने एफ आया है। तो आपको इसी के अकॉर्डिंग अपने पेपर कोड के सभी क्वेश्चंस को चेक कर लेना है। जिस क्वेश्चन के सामने जो भी अल्फाबेट आ रहा है उस अल्फाबेट के अकॉर्डिंग आपको चेक करना है कि आपने कौन सा ऑप्शन मार्क किया है। और अगर उस अल्फाबेट में जो 2 आंसर आ रहे हैं उन दोनों आंसर में अगर किसी भी एक आंसर को आपने मार्क किया है तो आप बहुत ही लकी होंगे, आप बहुत ही सही होंगे कि आपको NTA की तरफ से उस क्वेश्चन के पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिए या फिर दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए और जाकर के अपनी अपनी आंसर शीट मिलाइए, चेक कीजिए आपके नीट में कितने मार्क्स आ सकते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नीट UG 2019 की बाकी अपडेट्स के लिए करियर मीडिया का चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर लीजिए। थैंक यू सो मच।